For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है. मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ. सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ. मेरी क्वालिफिकेशन FCPS आर्थोपेडिक सर्जरी है. जैसे आर्थोपेडिक सर्जरी एक स्पेशलिटी है बताते खुद, तो इसमें आजकल बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं. तो इसमें बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आते हैं आर्थोपेडिक से रिलेटेड. तो जो बल्क ऑफ पेशेंट हैं हमारे, वो ट्रामा के आते हैं. एक एवरेज आर्थोपेडिक सर्जन के पास जो आर्थोपेडिक के केसेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंजर्ड पेशेंट आते हैं, ट्रामा के पेशेंट. बाकी उसमें बच्चों के बहुत सारे कंजनाइटल एनामलीज होते हैं, जैसे बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होती हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं. उसके अलावा मेरी वेस्कुलर सर्जरी, स्पेशल इंटरेस्ट मेरा पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जरी में है. जो आर्थोपेडिक ट्रामा के पेशेंट आते हैं, उसमें वेस्कुलर सर्जरी के भी पेशेंट आते हैं, ताकि वो जो खून की नसें होती हैं वो टूट जाती हैं ना, तो वो बड़ी डायर इमरजेंसी होती है. अगर उनको विद इन टाइम 6 आवर्स के अंदर अंदर सर्कुलेशन को रेस्टोर ना किया जाए, खून की रवानगी को अगर वापस नहीं किया जाए, तो वो टांग ज़ाया हो जाती है या बाजू ज़ाया हो जाता है. तो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट इस पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जरी, नसों के रिपेयर में है. आर्थोपेडिक सर्जरी बेसिकली, आर्थोपेडिक सर्जरी जैसे लोगों को ये पता है कि आर्थोपेडिक में सारे जो ट्रामा वाले पेशेंट आते हैं, हड्डी टूटी हुई होती है, वो ही बस आर्थोपेडिक सर्जरी होती है. नहीं, ये ट्रामा के केसेस एक्चुअली दुनिया भर में डिवाइडेड है, अलग अलग है. ट्रामाटोलॉजी अलग है, ये ट्रामा के केसेस होते हैं. और आर्थोपेडिक में जो बाकी कोल्ड सर्जरी आती है, जैसे बच्चों के पाँव घूमे होते हैं, फिरे हुए होते हैं, उनको करेक्ट करना. बच्चों में के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे बर्थ इंजरीज होती हैं, उसमें नर्व्स की इंजरीज होती हैं, उनकी सर्जरीज. उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर्स की सर्जरी होती है. जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने या कूल्हे की हड्डी के जोड़ को पूरे का पूरा जोड़ चेंज करना, ये कोल्ड सर्जरी आर्थोपेडिक सर्जरी में आती है. इसके अलावा जो ज़्यादा मैंने बताया ना कि एवरेज आर्थोपेडिक सर्जन वो ट्रामाटोलॉजी, ट्रामा इंजर्ड पेशेंट जो जख्मी होते हैं उनको ट्रीट करता है. तो आर्थो और ट्रामा में हम थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगेन, ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन इश्यूज़ हैं, वो तो बल्क जो है ट्रामा के इंजर्ड पेशेंट होते हैं. फ्रैक्चर्स होते हैं, क्लोज फ्रैक्चर होते हैं, ओपन फ्रैक्चर होते हैं, ज़ख्म के साथ होते हैं, तो उनकी मैनेजमेंट करते हैं. और इनके अलावा बाकी बच्चों के पाँव जो फिरे होते हैं बाय बर्थ, माएँ नोटिस करती हैं, वो फिर डॉक्टरों के पास ले आती हैं, तो उनको हम करेक्ट करते हैं प्लास्टर से या सर्जरी से. और इनके अलावा जॉइंट चेंज करना और मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनको ट्रीट करना. स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, सो वैरायटी ऑफ सब स्पेशलिटीज़ हैं. बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, उनको ट्रीट करता है, हैंडल करता है रादर. बाकी न्यूरोसर्जन जो है, वो न्यूरोसर्जन तो वो रिलेटेड है, उसकी फील्ड दिमाग से है और स्पाइनल कॉर्ड से है. न्यूरोसर्जन और आर्थोपेडिक की तो टोटली इंटायर डिफरेंट फील्ड्स है. हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं. अब गेन डिपेंड करता है कि जैसे कूल्हे का जॉइंट है या नी का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, या मोस्ट कॉमन यही जॉइंट्स चेंज किए जाते हैं. दुनिया भर में तो सारे जॉइंट्स चेंज किए जाते हैं, छोटे छोटे उंगली के जॉइंट्स भी चेंज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन जो है ना, ये जो जॉइंट्स चेंज किए जाते हैं, और शोल्डर जॉइंट. तो इन जॉइंट्स में या तो आधा हिस्सा हम चेंज करते हैं, उसको पार्शल या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं, या मुकम्मल जॉइंट चेंज करते हैं तो उसको हम कंप्लीट जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं. तो इसमें फिर मटेरियल वाइज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सीमेंटेड है, अनसीमेंटेड है, और हाइब्रिड है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये जॉइंट रिप्लेसमेंट. आर्थराइटिस अगर मैं सिंपली सादा जुबान में बोलूं, तो आर्थराइटिस जॉइंट्स के
जो ज्वाइंट है वो ख़राब हो जाते हैं, रगड़ खा के उनकी जो वियर टीयर होती है उनके हिसाब से वो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, तो आपस में घिसते हैं तो दर्द होता है। बेसिकली ये एज के अलावा और सारे और भी रीज़न्स होते हैं इनके आर्थराइटस के, जैसे इन्फेक्शन हो जाए जॉइंट्स में, चोट लगे, ट्रामा हो जाए, या ट्यूमर्स हैं वो पेनिट्रेट करें जॉइंट्स को, वो ख़राब करें, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए, बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज होता है वो बिल्कुल वियर टीयर हो जाता है, तो वियर ऑफ हो जाता है, तो वो आर्थराइटस, इस हम सिंपल लैंग्वेज में उसको आर्थराइटस बोलते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहें, अवेयरनेस ज़रूरी है, सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है हेल्थ से रिलेटेड, हर बात से रिलेटेड होने, लेकिन मैं बींग ए हेल्थ प्रोफेशनल मैं कहूँगा कि हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस ज़रूरी है और एजुकेट होना ज़रूरी है उनका, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। और मैं ये पेशेंट के लिए सजेस्ट करूँगा कि खुदा के वास्ते जब भी कोई ऐसा हेल्थ से रिलेटेड मसला हो, आर्थोपेडिक से रिलेटेड मसला हो, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर उनसे ज़रूर एडवाइस लें, उनको ज़रूर कंसल्ट करें, बजाय इसके कि ये जो आजकल बोन सेटर्स बैठे हुए हैं या ये जो हकीमाना मेडिसन खाते हैं हकीमों से लेके स्टीरॉइड टाइप की, बहुत ख़तरनाक, वो हम उसके विटनेस हैं कि एक पेशेंट कैसे लैंड करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है यंग एज में, जो के मतलब ट्रीटेबल काजेज़ हैं। तो खुदा के वास्ते आप क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें।